नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरी सर कला से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश यानी पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है भारत का एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 14 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इसका औसत ऊंचाई 900 मीटर है। समुद्र तल से इसका औसत ऊंचाई 900 मीटर है और इसका निर्माण मुख्यतः आज से 4600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और यह भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। प्राचीन भूखंड होने के साथ साथ यह कठोर भी है, जिस कारण से यहाँ पर भूगर्भिक हलचलों का यहाँ पर प्रभाव देखने को बहुत ही कम मिलता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, प्राचीन कालीन चट्टान से लेकर वर्तमान अभिनूतन युग के चट्टान का तक का भी विस्तार मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग देखते हैं प्राचीन कालीन चट्टान समूह के अंतर्गत आर्कियन समूह का जो चट्टान है उसका निर्माण मुख्यतः अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास मिलता है और यहाँ यह प्राचीन होने के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के जो चट्टानी प्रणाली हैं उनका भी विकास हुआ है। दूसरा जो है जैसे धारवाड़ प्रणाली के चट्टान, धारवाड़ी प्रणाली के जो चट्टान है उड़ीसा के तालचेर में यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर उसका नीचे पाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस धारवाड़ क्रम की चट्टान में मुख्यतः यहाँ पर तालचेर में कोयले का भंडार स्थित है, कोयला का निर्माण हुआ है। उसके बाद कुडप्पा प्रणाली के जो चट्टान है, कुडप्पा प्रणाली के चट्टान मुख्यतः पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे महाबलेश्वर के आसपास स्थित है और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कई प्रकार के चट्टानों में खनिज पदार्थ का निक्षेप पाया जाता है। फिर अगला है विंध्यन प्रणाली के चट्टान। विंध्यन प्रणाली के चट्टान मुख्यतः विंध्याचल पर्वत जो प्रणाली है, श्रेणी है, इसके आसपास पाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट, नीस एवं सीस्ट का निक्षेप मिलता है। उसके बाद है दक्कन ट्रेप की चट्टान। दक्कन ट्रेप की चट्टान जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश आदि राज्यों में यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात तो उसके ठंडा होने से हुआ है और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसका विस्तार यहाँ पर मिलता है। उसके बाद देखते हैं तिर्त्यक प्रणाली के चट्टान। तिर्त्यक प्रणाली के चट्टान के अंतर्गत मुख्यतः पश्चिमी घाट पर्वत में विभिन्न प्रकार के श्रेणियों का निर्माण हुआ है। और अगला जो है हम लोग का अभिनूतन प्रणाली के चट्टान। अभिनूतन प्रणाली के चट्टान मुख्यतः पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट पर्वत या यहाँ पर जो इसी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं, उसका निर्माण हुआ है। तो ये जो है हम लोग का देखते हैं इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार में कई प्रकार के प्राचीन कालीन चट्टान से लेकर अभिनूतन प्रणाली के चट्टान समूह का यहाँ पर निक्षेप मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं चट्टानों के निर्माण या यहाँ पर जो पाए जाने वाले विभिन्न विशेषताओं के आधार पर चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ या यहाँ पर हम लोग देखते हैं उच्चावच के आधार पर, ये प्रायद्वीपीय पठार को जो है उसके उच्चावच के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला जो है हम लोग का दक्कन ट्रेप, पहला है दक्कन ट्रेप यानी दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो है मध्य की उच्च भूमि, दूसरा है मध्य की उच्च भूमि, मध्य की उच्च भूमि। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग है उच्चावच के आधार पर उत्तर पूर्वी पठार, ये है उत्तर पूर्वी पठार, ये है हमारा दक्कन ट्रेप, ये क्षेत्र। उसके बाद मध्य की उच्च भूमि के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और उसके बाद जो है उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पठार आते हैं। उत्तर पूर्वी पठार यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग ये दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को सबसे पहले हम लोग देखते हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठारी क्षेत्र आते हैं या इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो दक्कन का पठार है, इनकी प्रमुख विशेषताएं पहले हम लोग देखते हैं। दक्कन का पठार जो है यह इसका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात लावा के ठंडा होने से इस पठार का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जो लावा है, लावा में मुख्यतः सिलिके की मात्रा कम होने के कारण ज्वालामुखी लावा जो है कम ये गाढ़ा था, कम गाढ़ा होने के कारण क्या है कि यह
समतल मैदानी क्षेत्र में फैल गया और इस कारण से ये पूरे जो है दक्कन क्षेत्र में यानी जो महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यह इसका निर्माण हुआ है, फैला हुआ है। तो ये जो है दक्कन के पठार का निर्माण मुख्यतः काली मृदा से हुआ है यानी ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात हुआ है। तो काली मृदा में हम लोग देखते हैं, काली मृदा को महाराष्ट्र में स्थानीय नाम जो है उसको रेगर से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेगर। और रेगर इसलिए इसको काली मृदा को स्थानीय नाम रेगुर से भी कहते हैं। और इस मृदा में मुख्यतः कपास का खेती अधिक होता है यानी काली मृदा कपास की खेती के अनुकूल होती है। अभी वर्तमान समय में वहाँ पर और भी जौ या गन्ना या फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरे फसल जो है खाद्यान्न फसल का भी यहाँ पर खेती करते हैं। उसके बाद जैसे दक्कन का जो पठार है इसमें हम लोग इसका ऊपरी भाग में देखते हैं नासिक पठार स्थित है। और दक्कन के पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत वेस्टर्न वेस्टर्न माउंटेन रीजन। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। तो ये जो है पहला हमारा जैसे देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, इस क्षेत्र को कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। इसका विस्तार मुख्यतः कन्याकुमारी से लेकर हम लोग देखते हैं नासिक का पठार तक है यानी उत्तर में स्थित जो है अरावली पर्वत के दक्षिण में स्थित नासिक पठार से लेकर दक्षिण की ओर जाते हैं तो क्रमशः ये है अरब सागर के सहारे सहारे मुख्यतः कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यहाँ देखा जाता है जैसे ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका जो ऊंचाई है पश्चिम की ओर अधिक ऊंचा है तथा तीव्र ढाल है तथा पूर्व की ओर आते हैं तो इसका ढाल क्रमशः कम होते जाता है जिस कारण से बहुत सारी नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं तथा पूर्व की ओर बहते हुए मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और पूर्व की ओर जाते जाते इसका ढाल कम होता है यानी ऊंचाई कम होता है जिस कारण से मुख्यतः अपने मुहाने पर यहाँ से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे नासिक पठार से मुख्यतः देखते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ से निकलते हुए यह गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद दक्षिण की ओर आते हैं तो क्रमशः महाबालेश्वर पर्वत स्थित है। महाबालेश्वर पर्वत से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और अपने उद्गम स्थल से निकलते हुए पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद दक्षिण की ओर और आते हैं तो हम लोग का देखता है ब्रह्मगिरी पर्वत स्थित है। ब्रह्मगिरी जो पर्वत है यहाँ से निकलती है कावेरी नदी और कावेरी नदी निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये है जैसे पश्चिमी घाट पर्वत का ये जो है यहाँ से निकलने वाली नदियाँ प्रमुख नदियाँ। उसके दक्षिण की ओर आते हैं तो क्रमशः हम लोग का जो तमिलनाडु राज्य है तमिलनाडु में मुख्यतः नीलगिरी पर्वत स्थित है जो इसका दक्षिणी भाग है। नीलगिरी पर्वत में मुख्यतः देखा जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दोनों का ही यहाँ पर मिलन स्थल है। और नीलगिरी पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदाबेटा जिसका ऊंचाई है समुद्र तल से 2670 मीटर। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्रमशः केरल राज्य में एक जैसे पर्वत है उसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत जो है इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नामुद्दी और इसका ऊंचाई है समुद्र तल से 2695 मीटर। इस प्रकार से देखते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत है यह मुख्यतः जो है यहाँ पर पश्चिम की ओर तीव्र ढाल है तथा पूर्व की ओर मंद ढाल है यानी कम ढाल है जिस कारण से लोगों का आवागमन बहुत ही मुश्किल होता है पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे। परिणाम स्वरूप यहाँ पर आवागमन के लिए दर्रे हैं, तीन दर्रे हैं जिसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो महत्वपूर्ण दर्रा है जैसे महत्वपूर्ण दर्रा है जिसके जैसे थाल घाट, ये हमारा है थाल घाट, थाल घाट। उसके बाद आता है पाल घाट, ये क्षेत्र है, ये दर्रा है, इसको बोलते हैं पाल घाट। और ये जो दर्रा है इसको कहते हैं भोर घाट, भोर घाट। तो इन दर्रे के माध्यम से होकर के क्या होता है कि लोगों का आना जाना होता है क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत जो है तीव्र ढाल युक्त है तथा प्राचीन भूखंड से निर्मित है जिस कारण से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है जो भी भूगर्भिक हलचल है उसका असर देखने को बहुत ही कम मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा पूर्वी घाट पर्वतीय क्षेत्र है। ये जो पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र है दक्कन के पठार का दूसरा भाग है, दूसरा विस्तार है पूर्वी घाट पर्वतीय क्षेत्र है।
इसका भी हम लोग देखते हैं कन्याकुमारी से लेकर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इसका जो है पर्वतीय पूर्वी इस प्रकार का विस्तृत जो पर्वत समूह है उसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। और यहाँ से हम लोग देखते हैं उत्तर में मुख्यतः मलयगिरी पर्वत स्थित है। मलयगिरी पर्वत जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। वहाँ से आगे नीचे दक्षिण की ओर आते हैं तो वहाँ हम लोग को मिलता है महेंद्रगिरी पर्वत। और महेंद्रगिरी पर्वत जो है महेंद्रगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। इसका कुल ऊंचाई है लगभग 1501 मीटर। और उसके बाद इसी पर्वत के सहारे एक जो हम लोग का दिखता है आंध्र प्रदेश में नल्ला माला, यह भी महत्वपूर्ण पर्वत है। और ये जो है इसका निर्माण मुख्यतः जो है धारवाड़ श्रेणी में हुआ था। अब अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण है हम लोग का दूसरा महत्वपूर्ण जो पर्वत है या विशेषता है दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता मध्य की उच्च भूमि। मध्य की उच्च भूमि, मध्य की उच्च भूमि, तो मध्य की उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसका जो प्रमुख क्षेत्र है जैसे पश्चिम में स्थित जो है हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत से लेकर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कई पर्वत श्रृंखला स्थित है, कई पठार स्थित हैं। और इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं यह भी प्राचीन युगीन भूखंड से निर्मित है, चट्टान से निर्मित है। तो मध्य की उच्च भूमि में हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण है अरावली पर्वत। इसको कई भागों में बांटा जाता है, मध्य की उच्च भूमि को मुख्यतः कई भागों में बांटा जाता है। जैसे जो सबसे पहला है हम लोग का पहला जो है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत या इसको अरावली श्रेणी भी कहते हैं, अरावली श्रेणी भी कहते हैं। दूसरा जो है हम लोग का इसके अंतर्गत मालवा का पठार, मध्य की उच्च भूमि का ही भाग है मालवा का पठार। तीसरा इसके अंतर्गत जो आता है तीसरा है हम लोग का यहाँ पर जैसे मध्य की उच्च भूमि का ही तीसरा महत्वपूर्ण भाग है विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण जो भाग है महत्वपूर्ण भाग में हम लोग देखते हैं इसका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। और उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण भाग है अगला महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत जो आता है ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। ये मध्य के जो उच्च भूमि है इसको पांच भागों में बांटा जाता है और विशेषता के आधार पर अध्ययन की दृष्टि से भी तो ये सबसे पहला जो है हम लोग का जो ये दिखते अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसका जो हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत का इसका स्थिति इस प्रकार से है कि जैसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा जब हम लोग का यहाँ पर पहुँचती है तो उसका स्थिति इस प्रकार होने के कारण ये इसको रोकने का अवरोध करने का नहीं कर पाती हैं और इस कारण से मानसूनी हवा इस पर्वत को से होकर आगे बढ़ती है और फिर हम लोग देखते हैं कि ये पाकिस्तान में इनके द्वारा वर्षा कराती है। तो ये अरावली पर्वत जो है ये प्राचीन भूखंड है, इसका निर्माण मुख्यतः आर्कियन काल में हुआ था। यहाँ पर जो भी चट्टाने हैं बहुत ही प्राचीन हैं तथा ग्रेनाइट और निस का निक्षेप यहाँ पर मिलता है। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर। तो उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है जैसे मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है अरावली पर्वत से आगे की ओर बढ़ते हैं उत्तर में, अरावली पर्वत से आगे की ओर यानी पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण पठार जो है मालवा का पठार है। और मालवा का पठार के अंतर्गत दिखता है कि यहाँ पर बुंदेलखंड की पठार है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल श्रेणी है, बुंदेलखंड का पठार है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं। तो ये कई श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर हम लोग का दिखता है कि इन श्रेणियों में भी कई प्रकार के चट्टान या उनके खनिज पदार्थों का निक्षेप पाया जाता है। यहाँ से होकर कई नदियाँ भी निकलती हैं और यहाँ से जैसे चंबल, सोन या फिर बेतवा, केन, बनास आदि कई नदियाँ निकलती हैं जो ब्रंज घाटी से का निर्माण करती हैं और क्रमशः आगे बढ़ते हुए गंगा नदी में या सिंधु नदी में मिलती हैं और कुछ नदियाँ जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण भाग है मध्य की उच्च भूमि का। और उसके बाद अगला जो दिखता है जो महत्वपूर्ण है
अगला हम लोग का विंध्याचल श्रेणी तीसरा महत्वपूर्ण भाग है, मैथ की उच्च भूमि का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है विंध्याचल श्रेणी। ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से भी हम लोग देखते हैं कई पर्वत, यहीं का विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी, और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी में जैसे कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं महानदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से होती है, और यहाँ से निकलते हुए नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत में बहते हुए प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद देखते हैं कि जैसे विंध्याचल श्रेणी के नीचे जो अगला जो है हम लोग का छोटा नागपुर का पठार, पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो ये क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को मुख्यतः कई भागों में बांटा जाता है, यहाँ पर कई पठार या श्रेणियाँ पाई जाती हैं। जैसे पश्चिम की ओर जो है लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई में जो चोटी है, पठार है, पर्वत है, उसको पाट प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाट प्रदेश, पाट प्रदेश। और उसके बाद आगे की ओर आते हैं तो मुख्यतः रांची का पठार, रांची का पठार, फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और उसके बाद हजारीबाग का पठार, फिर उत्तर की ओर फिर आगे बढ़ते हैं पूर्व की ओर और आगे बढ़ते हैं तो क्रमशः पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी एवं राजमहल ट्रेप, राजमहल, राजमहल ट्रेप स्थित है। राजमहल ट्रेप जो है मुख्यतः ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार को, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट एवं टंगस्टन आदि कई खनिजों का निक्षेप पाया जाता है, सोना का भी निक्षेप पाया जाता है, जिस कारण से छोटा नागपुर का पठार को रत्न गर्भा कहा जाता है। इनके गर्भ में बहुत सारे खनिज पदार्थ स्थित हैं। झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण, झारखंड का महत्वपूर्ण भाग है छोटा नागपुर पठार, और यहाँ पर देखते हैं कि भारत का सबसे अधिक कोयले का निक्षेप पाया जाता है, और भी कोयला भी उत्तम किस्म का, जैसे जो कोयला का चार किस्में हैं, एक है जैसे एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो यहाँ पर मुख्यतः तो बिटुमिनस किस्म के कोयला का निक्षेप पाया जाता है, जो जिसका निर्माण गोंडवाना, गोंडवाना निक्षेप से हुआ है। अब हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार जो है इसका प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ का निक्षेप पाया जाता है तथा इसका औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, तथा यहाँ के छोटा नागपुर पठार के प्रमुख जो चोटी है पारसनाथ, जो पारसनाथ है जैसे जैन धर्मावलंबियों का, जैन धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, पारसनाथ का यहाँ पर क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त किए थे, जिस कारण से यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अपना पूजा करने के लिए आते हैं। और यह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई है 1365 मीटर। अब अगला जो महत्वपूर्ण जो है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में विस्तृत है, और यहाँ से भी बहुत सारे पर्वत, पठार और बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये मध्य की उच्च भूमि जो है प्रायद्वीपीय पठार का महत्वपूर्ण भाग है, और यह जो है यहाँ से मुख्यतः कई प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण जो है इसका प्रायद्वीपीय पठार का महत्वपूर्ण जो विशेषता है, तीसरा इसको कहते हैं पूर्व, तीसरा उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार जो है इसका विस्तार मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, और मेघालय से लेकर असम आदि राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पर मुख्यतः हम लोग देखते हैं कई श्रेणियाँ स्थित हैं, कई पठारी स्थित हैं, जैसे हम लोग का जो है पूर्वोत्तर इसके अंतर्गत गारो, दूसरा खासी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, और तीसरा है जयंतियाँ, जयंतियाँ, और चौथा जो है मिकिर की पहाड़ी, मिकिर यह असम राज्य में स्थित है। ये दोनों है हम लोग का मेघालय में, तीनों जो पहाड़ी है मेघालय में, और ये इन पहाड़ियों का जो है विखंडन होने के पश्चात ये मिकिर का पठार का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर कार्बी एगलोंग का पठार भी स्थित है, कार्बी एगलोंग,
कार्बी एगलोंग एंगलोंग। तो ये जो पठार है गारो खासी और जयंतिया, ये तीनों पठार मुख्यतः मेघालय में स्थित है और मेघालय में होने के कारण यहाँ पर देखते हैं जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवा जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है। तो ये पठार तीनों पठार क्या है कीप के आकार में फैले हुए हैं जिस कारण से ये मानसूनी हवा को रोकती है और यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा अधिक होती है। यहीं पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम स्थित है और गारो पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नौकरेक। गारो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नौकरेक और उसके बाद खासी पहाड़ियां हैं, फिर जयंतियां, फिर मिकिर पहाड़ी जो है असम में है और कार्बी एंगलोंग पठार भी हम लोग का कहाँ पर है असम में स्थित है। तो ये इस प्रकार से देखते हैं कि जो है प्रायद्वीपीय पठार को अलग उसके उच्चावच या विशेषता के आधार पर इसको कई वर्गों में बांटा गया है और इनके इस कई वर्गों में बांटा गया है तथा यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पदार्थों का भी निक्षेप पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख विशेषताओं को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, इसका प्रमुख आर्थिक लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीन भूखंड होने के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान करता है। तो इस ये जो है लाभ हम लोग का कई रूपों में है तो इसको हम लोग देखते हैं जैसे प्रायद्वीपीय पठार के कितने लाभ हैं, क्या क्या फायदा है। तो हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, ये है प्रायद्वीपीय पठार में धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थों का उपलब्धता, खनिज पदार्थों की प्राप्ति, खनिज पदार्थों की प्राप्ति, बहुत सारे खनिज पदार्थ जो धात्विक हैं या अधात्विक हैं उनका हम लोग का जो प्राप्त होता है प्रायद्वीपीय पठार से ही होता है और कई प्रकार के निक्षेपों से ये खनिज हमें मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विशेषता है हम लोग देखते हैं जैसे कि काली मृदा का विस्तार, दूसरा महत्व है काली मृदा का विस्तार। जैसे दक्कन ट्रेप में जो है काली मृदा का विस्तार पाया जाता है और इस कारण से इसमें हम लोग काली कपासी यानी कपास का खेती के लिए अनुकूल होता है, कपास का खेती करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के कारण, पश्चिमी घाट पर्वत के कारण वर्षा की प्राप्ति पश्चिमी घाट पर्वत में हम लोग देखते हैं वर्षा अधिक होता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में प्रवेश करते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं और इस कारण से ये जो मानसूनी हवाएं इसके आसपास वर्षा कराती हैं। इस प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वत के कारण वर्षा की प्राप्ति अधिक होती है। फिर हम लोग देखते हैं अगला जो है ये अगला जो है चौथा है जैसे पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे पूर्व की ओर नदियां बहती हैं तो कई जलप्रपात का निर्माण करती हैं जैसे गौज से होकर या महाखाट से होकर नदियां बहती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं जिस कारण से जलप्रपात के द्वारा जल विद्युत की प्राप्ति हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार से क्या होता है जल विद्युत प्राप्त होता है, हम लोग जल विद्युत उत्पादन करते हैं। पांचवा जो प्रमुख विशेषता है इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो है प्रायद्वीपीय पठार में आर्कियन क्रम से लेकर गोंडवाना क्रम का निक्षेप मिलता है यानी
कोयले का निक्षेप मिलता है, कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थ का निक्षेप मिलता है। अब अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला है जैसे छठा प्रमुख विशेषता है, कई पर्यटक स्थल स्थित हैं, कई पर्यटक स्थल स्थित हैं, कई पर्यटक स्थल स्थित हैं जैसे पंचमढ़ी, ऊटी, माउंट आबू। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे खंडाला आदि कई पर्यटक स्थल स्थित हैं। और सातवां में हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के कारण हम लोग का बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें। और आपके लिए मैं ऐसे ही बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेते आऊँगा, नए नए वीडियो लाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।